सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, जिनका वर्णन मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में किया है कि इन्होंने किस तरह सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में अपना योगदान दिया था, आज मैं आप लोगों को उन्हें उनके समय में प्राप्त उपाधि और सम्मान के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनमें से एक ब्रह्मऋषि की उपाधि है। दरअसल दोस्तों, स्वामी निखिलेश्वरानंद, जिनका गृहस्थ नाम डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी था, उन्हें एक से बढ़कर एक आध्यात्मिक विद्याओं का ज्ञान था। उनमें से एक ज्योतिष शास्त्र था। इनका ज्योतिष शास्त्र इतना विख्यात था कि हेमा मालिनी जैसे अपने समय के सेलिब्रिटी लोग इनके पास आया करते थे। महाराष्ट्र के टाइगर कहे जाने वाले बाला साहेब ठाकरे भी इनका आशीष प्राप्त करने गए थे। जब समग्र भारत में इनका चर्चा होने लगा, तब ये विशेष सम्मेलनों में भी शामिल होने लगे। ऐसे ही शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी द्वारा कराए गए सम्मेलन में इन्हें ब्रह्मऋषि की उपाधि मिली थी, और ब्रह्मऋषि की उपाधि ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी जैसे तपस्वियों को प्राप्त थी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वो किस स्तर के गुरु रहे होंगे, जिन्होंने विलुप्त सनातन रहस्य विद्याओं को आम लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया, जिनसे सभी लोगों ने अपने अपने स्तर तक का लाभ प्राप्त किए। इनका नाम विश्व गुरुओं में भी लिया जाता है। ऐसे थे स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, जिन्हें इस प्रकार ब्रह्मऋषि की उपाधि मिली। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।